नमस्कार दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव है और बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान अजब गजब मामले भी देखने को मिल रहे हैं। कई पंचायतों में रिश्ते पर राजनीति भारी पड़ती दिख रही है। ऐसा ही कुछ मामला बिरोल प्रखंड के डुमरी पंचायत में देखने को मिला, जहां एक भाई ने अपनी भाई के खिलाफ ये नामांकन पत्र दाखिल करा लिया। आपको बता दें कि डुमरी पंचायत के निवर्तमान मुखिया मोहम्मद इम्तियाज के छोटे भाई मोहम्मद सहनशाह अख्तर उर्फ चांद ने शनिवार को बिरोल प्रखंड मुख्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया और दावेदारी पेश कर दिया है। वहीं सियासत में रिश्तों की कारवाहट बनी हुई है, जहां सहनशाह अख्तर ने मुखिया पद के लिए नामांकन दर्ज कराया है और चुनावी मैदान में एक कड़ी टक्कर देने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, बिरोल प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में नामांकन कराने के लिए पहुंचे सहनशाह अख्तर अपने भारी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे और समर्थकों की तादाद अगर बता दें आपको तो सैकड़ों की तादाद में समर्थक थी, जहाँ उनके साथ साथ प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए पहुंचे। आपको बता दें, सैकड़ों की तादाद में बाइक और मोटरसाइकिल से वहां तक पहुंचे और उसके बाद एक सभा में संबोधित कर दिए। आइए क्या कुछ कहते हैं सहनशाह अख्तर इस रिपोर्ट में सुनते हैं। आज आप नामांकन कराए हैं, कौन से पंचायत से और किस पद के लिए नामांकन कराए? डुमरी पंचायत क्षेत्र संख्या 20 से मुखिया पद के लिए। जी, क्या खास उद्देश्य रहेगा इस बार? युवाओं की एक बड़ा हुजूम आपके साथ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त करना है। हमारे पंचायत में 2600 पंचायत में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, यहाँ तक के बाद सहायता राशि में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर उसको कम करना। भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा पंचायत में लगा? जी, पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार ही लगा? जी जी, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, करोड़ों का गबन। आप इस और आज ग्राम करके एक ऐप है, उस पर आप देखेंगे तो मेरे पंचायत में 72 करोड़ का काम हुआ है और स्तर पर जाएंगे तो 72 लाख का काम आपको नहीं मिलेगा। तो आपसे क्या उम्मीद रखी जनता इस बार? अगर हमको ऊपर वाला सफल करता है तो वो कोई भी पब्लिक का बेनिफिट, उसमें एक रुपया किसी को मतलब ये कह लीजिए हराम नहीं लगेगा। और ये मौखिक हम नहीं बोल रहे हैं, हम इसका बॉन्ड बना के देंगे। मुद्दा है कि हमारे पंचायत में बेगुना युवा सबको तरह तरह के मुकदमे में झूठा मुकदमा फंसा कर तबाह किया जा रहा है कि कोई युवा उनके सामने टिकने का काम नहीं करे। लेकिन इसी युवा के बदौलत, बड़े बुजुर्ग के बदौलत हम उनके सामने आ जाए हैं, जो रात में पूरा गांव बैठार करके हमको कहा कि आप लड़िए, तन मन धन से जिसकी जरूरत होगी हम तमाम पंचायतवासी आपको करेंगे। मेरी औकात 20 साल 15 साल से राज करते आ रहे हैं, मैं उनके सामने पासन बराबर नहीं हूँ। किसी जनता के बदौलत मैं उनके सामने आया हूँ। जनता मेरे लिए हर चीज़ से तैयार है, मैं जनता का सिर्फ अगुवाई करने के लिए आया हूँ। लड़ जनता रही है खुद, आप ये जनता लाभ देख के खुद आपको लगा होगा कि ये लड़ाई मेरी नहीं लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, सिर्फ जनता मेरे नेतृत्व।